श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज की वीडियो में सुनेंगे बृहस्पति वार की व्रत की कथा। देव गुरु बृहस्पति को बुद्धि और शिक्षा का कारक माना जाता है। गुरुवार को बृहस्पति देव एवं भगवान विष्णु की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गुरुवार को भगवान बृहस्पति देव एवं भगवान विष्णु का पूजा का विधान है। गुरुवार के दिन व्रत और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। अब श्रवण करेंगे गुरुवार व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है, किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह हर गुरुवार को व्रत रख कर दीन दुखियों की मदद करके पुण्य प्राप्त करता था, परंतु यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती थी और ना ही दान पुण्य में विश्वास रखती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। इतना सुनकर बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता। अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधर जाए। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूँ और जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार सात बृहस्पति वार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु के रूप में बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कही बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पति वार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश चला गया। वहाँ हुआ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। यह सुनकर दासी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पति वार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु
जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की पूरी बात अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगे कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं। इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का केले की जड़ में अर्पित करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। वह घोर साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान की पूजा की। अब पीला भोजन की चिंता को लेकर दोनों बहुत ही दुखी हुई। उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वह सभी गुरुवार को व्रत और पूजा करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। और अब जब देव बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होने लगा है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी। इससे पूरे नगर में उसका यश बढ़ने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए, इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु भेष में स्वयं बृहस्पति देव थे। लकहारे के सामने आकर बोले, हे लकहारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मग्न क्यों बैठा है? लकहारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो, 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बाँट कर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकहारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है,
मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकहारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ। तुम्हें रोज से दुगुना धन की प्राप्ति होगी, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकहारा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनाए ना आग जलाए, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकहारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए। और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकहारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं कही, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकहारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकहारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकहारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकहारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गई है। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमें कितनी बुरी हालत में छोड़ गए हैं। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट ना आए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो।
वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देख और उससे बोले, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पति वार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक चार हरैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया तथा किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठकर खड़ा हो गया तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो, मेरी बृहस्पति वार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं, अगर कोई पड़ोस में हो तो देख के आती हूँ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा, वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि, बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई का कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, ये भैया, मैं तो चलूँगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम क्या करोगी जाकर। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं है, और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिनके मन में कामनाएँ हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति वार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण करते हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, बोलो भगवान विष्णु की जय। कथा समाप्त। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु एवं बृहस्पति देव जी की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पर व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी।
अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।